इंट्रोडक्शन टू DDMS. तो DDMS की जो फुल फॉर्म है वो डेल्विक डिबग मोनिटर सर्वर, इसको याद कर लें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि DDMS के बारे में बताइए. तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे डेल्विक डिबग मोनिटर सर्वर. और ये डिवाइस पर कई टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इन सर्विसेज में मैसेज फॉर्मेशन हो सकता है, कॉल स्पूफिंग हो सकती है, कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट हो सकता है, एक्सप्लोरिंग इंटरनल थ्रेड्स, फाइल सिस्टम एक्सेट्रा शामिल हो सकते हैं. तो ये DDMS था. इसके अगर वर्किंग देखें तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टूल में जाओगे, एंड्रॉयड में जाओगे, एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर पर क्लिक करेंगे. प्रत्येक एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस में रन करता है और प्रत्येक प्रोसेस वर्चुअल मशीन में रन करती है. एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस में रन करेगा और प्रत्येक प्रोसेस वर्चुअल मशीन में रन करती है, और प्रत्येक वर्चुअल मशीन का एक यूनिक पोर्ट को एक्सपोज करता है जिसे डिबगर जुड़ सकता है. जिससे जो भी वर्चुअल मशीन है एक यूनिक पोर्ट को एक्सप्रेस करता है. या अगर हमने 10 वर्चुअल मशीन है तो 10 की 10 वर्चुअल मशीन का अलग नाम होगा, उनका यूनिक आईडी होगी, उसी यूनिक पोर्ट होगा उसमें, और उससे डिबगर अटैच हो सकता है. जब DDMS शुरू होता है तो ये ADB से गुजरता है. जब कोई डिवाइस कनेक्ट होता है तो वर्चुअल माउंटिंग सर्विस ADB और DDMS के बीच बनाई जाती है. जब भी कोई डिवाइस हमें कनेक्ट करना है तो वर्चुअल मशीन माउंटिंग सर्विस ADB और DDMS के बीच बनाई जाती है, जो डिवाइस पर एक वर्चुअल मशीन शुरू होने या समाप्त होने पर DDMS को सूचित करता है. तो ये वर्किंग रहती है. अगर आप SMS करना चाहते हैं तो इम्यूलेटर से आप SMS को बनाना होगा, और बनाने के लिए हम लोग टेलनेट क्लाइंट और सर्वर वाली प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं थोड़ा सा, और उसी के अनुसार हमें कॉल करना होगा जो कि नीचे दिखाया गया ये वाली ऑप्शन. एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर है ADM. यहाँ पर अगर आप मैसेज बनाना चाहते हैं, SMS करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से कर सकते हैं. वॉइस होम, डेटा होम, इनकमिंग जो भी है, उसके बाद वॉइस आ गया, इसमें ये मैसेज आ गया. मैसेज में हमने लिख दिया हेलो, और उसके बाद सेंड का ऑप्शन आएगा तो आप सेंड कर दोगे. इस ढंग से आप SMS यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं. और ये मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि हम बताते DDMS कमांड बाइंड टू अ लोकल 8608 फॉर डी वगर. इस ढंग से DDMS के मैसेजेस आते रहते हैं. उसी ढंग से अब सेंड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इम्यूलेटर विंडो में एक SMS नोटिफिकेशन दिखाई देगा. जैसे सेंड पर क्लिक किया, ये नोटिफिकेशन आ गया आपका 1234 ने आपको क्या भेजा है, हेलो. इस ढंग से वो मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे. अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो फिर भी यही कंट्रोल इम्यूलेटर कंट्रोल टैब में जाएंगे और वॉइस पे क्लिक करेंगे और नंबर टाइप करना शुरू करें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. अभी तक आप SMS कर रहे थे तो आपने SMS वाले को सेलेक्ट किया था. अब अगर आप कॉल कर रहे हैं तो वॉइस वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, इनकमिंग नंबर वहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा 1234, और उस पर बाद हम सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे. क्लिक करने के बाद इस जंग से आपकी कॉलिंग आ जाएगी 1234 इनकमिंग कॉल, वो आपको कॉल कर रहा है, वॉइस मैसेज कर रहा है. अब कॉल को एंड करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो विंडो में हैंग अप पर क्लिक कर सकते हैं, और फर्जी SMS और कॉल को की जो भी नोटिफिकेशन विंडो से माउस का उपयोग करके केंद्र में ले जाया जा सकता है, ऐसे नीचे दिखाया गया. इस ढंग से
आ गया, हमने दोनों ही वैसे जो वाइज दोनों को हमने ऊपर नीचे कर दिया। रहते हैं प्लेटफॉर्म टूल। तो प्लेटफॉर्म टूल नवीनतम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की सुविधा का समर्थन करने के लिए अनुकूलित हैं। प्लेटफॉर्म टूल आमतौर पर हर बार जब आप एक नया SDK प्लेटफॉर्म स्थापित बनाते हैं तो अपडेट होते हैं, और प्लेटफॉर्म टूल का प्रत्येक अपडेट पुराने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म के कुछ टूल नीचे दिए गए हैं, एंड्रॉयड डिबग ब्रिज ADB, एंड्रॉयड इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज AIDL, APT, डेक्सडम, ये डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था DDMS। तो DDS में आपने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ ली DDMS की, डेल्बिक डिबग मॉनिटर सर्वर जो कई सारे की सर्विस प्रोवाइड करता था, मैसेज फॉर्मेशन था, कॉल स्पूफिंग था। वर्किंग में आप एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर पर क्लिक करके आप इसकी वर्किंग देख सकते थे, उससे डिबगल जुड़ता था। SMS करना आपने देख लिया कि अगर हम SMS करना चाहें तो कैसे करेंगे, कॉल करना चाहें तो कॉल कैसे करेंगे, ये दो चीज़ें हमने इसमें बताई थी। तो इतना ही था इसमें, इसको